नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। नोएडा की ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाला गालीबाज श्रीकांत त्यागी 4 दिन से फरार चल रहा है। आज सुबह ही उस पर गाज गिरी और उसके जो अवैध निर्माण था उस पर बुलडोजर की कार्रवाई यूपी प्रशासन ने की है। लगातार इस पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर बनाए हुए हैं। सांसद महेश शर्मा ने कल रात को सोसाइटी में पहुंचकर सभी अधिकारियों को हड़काया भी था, जिसके बाद आज सुबह लगातार बुलडोजर की कार्रवाई ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में और गालीबाज श्रीकांत त्यागी के घर पर हुई है। अब खबर यह सामने आ रही है कि गालीबाज श्रीकांत त्यागी जो फरार चल रहा है उस पर प्रशासन ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है और लगातार 7 से 8 टीम उसकी दबिश देने के लिए जुटी हुई हैं, उसके पीछे जुटी हुई हैं। बताया ये जा रहा है कि वो उत्तराखंड में यहां पर मौजूद था, जिसके बाद नोएडा पुलिस उत्तराखंड पुलिस से भी संपर्क में लगातार बनी हुई है। अब ये सामने आ रहा है कि 25,000 का इनाम उस पर घोषित कर दिया गया है और लगातार 7 से 8 टीम उस पुलिस की लगातार उसको दबिश दे रही है और लगातार उसे पकड़ने के लिए जुटी हुई है। यह भी खबर सामने आ रही है कि वो नोएडा के सूरजपुर कोर्ट में छिपे होने की इसकी आशंका है और लगातार पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि वो कहां छुपा हुआ है। 4 दिन से जो श्रीकांत है वो फरार है, जिसके बाद आज सुबह पहले उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और अब उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यहां पर नोएडा से सामने आ रही है, जहां पर जो श्रीकांत त्यागी है उसको महिला के साथ बदसलूकी करना इतना भारी पड़ गया कि लगातार 7 से 8 पुलिस की टीमें और यूपी का पूरा प्रशासन इस वक्त उसको पकड़ने में लगा हुआ है और अब 25,000 रुपए का इनाम उस पर घोषित कर दिया गया है। खबर यह भी है कि जो भी श्रीकांत त्यागी को सुरक्षा देने के लिए आगे आएगा उस पर भी सीधा यूपी का प्रशासन कार्रवाई करने की तैयारी में है। यह खबर सीधा सीएम योगी के दफ्तर से सामने आ रही है कि कोई भी अगर श्रीकांत त्यागी को सुरक्षा देने के लिए आगे आता है और उसका समर्थन करने के लिए आगे आता है तो सीधे तौर पर उस पर भी तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।